So today is 26 September 2019, currently time ho chuka hai 11:16. So dekh lete hain Nifty ko, Nifty ka 1 minute ka chart, aur ye jo screen pe aap dekh rahe ho wo hai Trade Tiger. So Nifty ne morning mein kya kiya hai, Nifty ne morning mein gap up open hua hai, achha khasa move, phir again ye breakout, phir ye achha khasa move, ab yahan se phir रिवर्सल्स के सिग्नल यहाँ पर लग रहे हैं. अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं और ऐसे ये लेवल पे देखते हैं, या एक काम करते हैं हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं. तो देखिए रेडर्स, हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस आपका एक, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, एंड सेम यहाँ पर फीलिंग आ रही है रेजिस्टेंस वाली. और रेजिस्टेंस पे बाइंग सेलिंग कंटिन्यूज हो रही है. हमको ये भी दिख रहा है यहाँ पर, लाइक यहाँ पर बायर्स भी ताकतवर हैं, सेलर्स भी ताकतवर हैं. अब ये लक बाय चांस वाली चीज़ है या मार्केट में हर कुछ प्री प्लान्ड होता है? तो देखिए, आज का दिन है थर्सडे, आज है मंथली एक्सपायरी, तो लोगों के पुट्स पड़े होंगे, लोगों के कॉल पड़े होंगे. अब उनका कोई ना कोई कुछ ना कुछ रीज़न से उनको वैल्यूएशन उनको कम करना है, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली वो लोग शॉर्टिंग साइड रहते हैं, ऑप्शंस को शॉर्ट करते रहते हैं, चाहे बाइंग साइड या बुलिश, लाइक बेरिश साइड या बुलिश साइड रहते हैं वो. सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अब देखिए, ये अगर इसका रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस भी देखिए, वो अपसाइड एक ब्रेकआउट दिया, अगेन फॉल, अगेन देखिए यहीं पर रिट्रेस कर रहा है. तो इसका स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यहाँ पर क्या बन के आ रहा है कि बॉस, अब जो है बाइंग सेलिंग का कचरा यहाँ पर चल रहा है मार्केट फिलहाल. अब कुछ देर तक कहीं नहीं जाने वाला, 11:18, 11:15 ऑलमोस्ट बज चुका है. देखिए यहाँ पर हमको ये बॉक्स भी हमको क्या बता रहा है, ये जोन जो बना हुआ है कि बॉस मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. अब यहाँ पर कौन लोग फंसेंगे, हम जैसे रिटेलर्स फंसेंगे. क्या सोचेंगे, ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट आया है, ब्रेकडाउन हुआ है. तो ये गलत सोच है हमारी. जब तक क्लियर व्यू नहीं आता है, हो सकता है 12 बजे आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट 15 मिनट्स में आ जाए, तब तक हमको काम नहीं करना है. अब आप बोलोगे कि क्लियर व्यू क्या होता है, क्लियर व्यू मतलब आपको दिखे मार्केट दौड़ते हुए, मार्केट फॉल होते हुए, ये क्लियर जोन नहीं है. और यहाँ से जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है या जो ये लेवल देख के शॉर्ट करने पे बैठे हुए हैं, अब पहले मार्केट उनको फंसाएगा, और जिन्होंने ये ब्रेकआउट देख के ऊपर साइड जाने के हिसाब से बाय किया हुआ है, अब उनका प्रीमियम भी कम होगा, शॉर्टर्स का प्रीमियम भी कम होगा. अब जीतेगा कौन, अब साइडवेज वाले जीतेंगे जिन्होंने कॉल और पुट दोनों शॉर्ट किया हुआ है एज पर प्रीमियम देखते हुए. सो स्टे ट्यून, मैं आपको अपडेट करता हूँ. सेम अगर हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी लगा देते हैं, उसको भी एक बार देख लेंगे हम लोग. तो देखिए ट्रेडर, सेम वही चीज हुआ, अच्छा खासा मूव, वन साइडेड मूव देख रहे हैं आपको, ये क्लियर पंप हुआ है, एंड वहीं से देखिए बहुत बड़ी कैंडल, दिस इज कॉल अ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल. वहां से मार्केट थोड़ा नीचे आया, अगेन देखिए अब ये ट्राई हो रहा है यहाँ पर. क्या ये क्लियर ट्राई है? नहीं. क्यों नहीं है ट्राई क्लियर? देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एक जोन, अब ये जोन है बैंक निफ्टी का, इसके ऊपर जाते हुए दिखेगा ये लेवल पे, ये सेफ लेवल है अपने लिए एंट्री के लिए, ना कि ये लेवल की. यहां से थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिया, यहां पर ब्रेकआउट पे जनरल लोग बाइंग करेंगे, उनको दिखेगा, लगेगा, प्रूव होगा कि हाँ ऊपर जा रहा है, वो लोगों का एंट्री के बाद हो सकता है नीचे की तरफ फॉल आ जाए. सो ये थिंकिंग करके आपको मार्केट में एंट्री करनी होती है, एक मोटा मोटी व्यू बनाना होता है, उसके बाद आप सोच सकते हो कि हाँ बॉस, कि एक अच्छी एंट्री हमको मिली है या नहीं मिली है, या हमको वेट करना है. सो स्टे ट्यून, मैं आपको अपडेट करता हूँ. अभी तक मैंने कोई पोजिशन लिया नहीं हुआ है, जैसे कोई पोजिशन लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ. ट्रेडर्स, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मुझे. देखिए ये ब्रेकडाउन और ये लास्ट केस, और उस हिसाब से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है ये. सो हम यहाँ पर 60 क्वांटिटी स्टॉप लॉस दे देंगे हम, 30,000 फिलहाल एंट्री के लिए हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर, 440 का रेस्ट देखेंगे. ओके, शॉर्ट कर दिया हमने बैंक निफ्टी. नाउ लेट्स सी, 54 पे शॉर्ट हुआ है अपना. सेटअप बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया,
ये लास्ट किस हो गया अपना और वहां से फॉल। अब देखें कैसे परफॉर्म करता है। करंटली 1100 के आसपास अपना यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, 1500 के आसपास अपना यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है अपना। अभी अगर ये 10 को ब्रेक करेगा तो हम लोग फिर इसको स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करेंगे और अच्छे लेवल पे लगा देंगे। इस फिर ये लेवल पे ऑलमोस्ट 354 के आसपास अगर हम इस पे बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी निया फ्यूचर्स विच विल बी अराउंड 417, दैट मीन्स अराउंड 420 के आसपास। तो देखें अब फिलहाल अपना 440 का स्टॉप लॉस है, जैसे ही वो 10 को ब्रेक करेगा तो हम इसको 420 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। एंड अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट इसमें हम दे देंगे एटलीस्ट ये लेवल का 270 का अराउंड, यहाँ से अराउंड आप समझ सकते हो 54 पे है तो अराउंड 80 पॉइंट्स के आसपास अपना यहाँ पर टारगेट रहेगा। देखें कैसे परफॉर्म करता है। करंटली 1300 का अपना यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। सो स्टे ट्यून, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्वेटर ये 300 तक आ चुका है, 290 का इसने अभी लो लगाया है, 285। लेट्स गेट रेडी, स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने का टाइम ही नहीं मिला अभी तक अपने को, डायरेक्टली गिर गया है। और जस्ट मैंने एंट्री 47.20 पे लिया हुआ है और अब 51 लाइक 1151 चल रहा है। अपना टारगेट अराउंड 270 के आसपास है। करंटली 3500 3600 का अपना यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स गेट रेडी, 70 का अपना टारगेट है और इसको पहले हम मॉडिफाई कर देंगे, इसको कर देंगे हम 420 जो हमने पहले डिस्कस किया, और रेडी रहेंगे हम। ऑलमोस्ट 17 पॉइंट दूर है हम अपने टारगेट से। 2891 थोड़ा बहुत रिट्रेस कर रहा है। एक्सपायरी के हिसाब से मोमेंटम फास्ट तो एक्सपेक्टेड है, वो आता ही है। अपना ऑलमोस्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 70 पॉइंट्स का अपना ऑलमोस्ट यहाँ से स्टॉप लॉस है एंड टारगेट जो हमने यहाँ से सेट किया हुआ है अराउंड 80 पॉइंट्स का। तो ये अगर ये अगेन 290 के आसपास जाता है तो मैं इसको और मॉडिफाई करूँगा नीचे की तरफ, जिससे अपना रिस्क और कम हो जाए और आरआर रेशो अपना यहाँ पर बढ़ जाए। तो 290 जैसे ब्रेक करेगा तो मैं इसको और मॉडिफाई करता हूँ। सो स्टे ट्यून, करंटली 3152 का अपना यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेडर्स एग्जिट करने का टाइम आ चुका है, बहुत ही क्विकली लाइक आप देख सकते हो एक ही कैंडल ने बहुत क्विक यहाँ पर डाउनफॉल किया हुआ है। देखिए ये गैप डाउन खुलने के बाद इसने लो लगाया 260 का, 255 तो अराउंड मैंने देख लिया बट इसने 260 का लो लगाया और मेरे को ऑर्डर एग्जिट करते करते लाइक फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर ये 77 पे मुझे एग्जिट करना पड़ा। इसको देख सकते हो बहुत फास्ट मोमेंटम चल रही है इसकी एंड मैंने यहाँ पर 4580 मैंने बुक कर दिया। लॉजिक बहुत सिंपल था, आपको मैंने यहाँ पर दिखाया। एक बार फिर से देख लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में। देखिए ट्रेडर्स ये ब्रेकडाउन था अपना, ब्रेकडाउन के बाद ये लास्ट केस और ये फिर फॉल, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा सेटअप। 1147.20 पे मैंने बाय किया, शॉर्ट किया 1147.20 पे एंड 54.09 पे मैंने इसको एग्जिट किया मात्र 7 मिनट्स। अगर आपने ये वीडियो को स्टार्टिंग से देखा तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज कही थी कि ये जो लेवल पे हम लोग खड़े हुए हैं, अब जब तक लोगों को यकीन नहीं होता कि ऊपर जा रहा है तब तक वो दिखाएगा कि ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। देखिए ये ब्रेकडाउन होने के बाद भी क्या दिख रहा है हमको कि ऐसा हो सकता है कि एक कि ये ब्रेकआउट तो नहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लियर रिजेक्शन आया और वहां से फॉल कंटिन्यूस। तो ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये कैसे समझ पाओगे? जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे चार्ट्स के ऊपर, हम क्या फोकस करते हैं, हमको कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, स्ट्रेटजी नहीं, एक रोड मैप बनाओ। देखो, आप अगर किसी से और से सीखते हो, आपके कोई और मेंटर है, तो उनको ये चीज़ आप रिक्वेस्ट करो कि मुझे एक रोड मैप बना के दो। मैं मॉर्निंग में अगर आता हूँ तो मेरे को क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, ये पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। अब मेरी इनकम के हिसाब से कितना मेरा मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, मैं कितना रिस्क लूँ, मेरा क्या गोल होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको अपने मेंटर से पूछना चाहिए। अगर वो सिर्फ आपको स्ट्रेटजी बता रहा है कि बॉस आपने सुपर ट्रेंड लगा दिया, ऐसे ऐसे कर दिया और आपको प्रॉफिट होगा, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, तो वो बहुत गलत सिस्टम है। इससे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको एक रोड मैप होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, ब्लूप्रिंट प्लान। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों को ब्लूप्रिंट्स होती है, तो हम उस हिसाब से बिल्डिंग बनाते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए ये एक बिजनेस है, इसके लिए भी आपको एक फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट होनी चाहिए कि वर्स्ट में ऐसा हो सकता है, बेस्ट में ऐसा हो सकता है। ओके, तो जाके आप ये लेवल पे, ये थिंकिंग से ये सब चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको वीडियो से अच्छे कंटेंट मिले होंगे। और कल ट्रेडर्स, कल किसी ने कमेंट किया हुआ था कि सर आफ्टर मार्केट तो कोई बता देता है ये वो, तो ट्रेडर्स अगर मुझे टाइम मिलता है, जैसे आज मैं बैठा हुआ हूँ आपके लिए, मैं अलग ऑफिस में बैठता हूँ, अगर मुझे फुल स्क्रीन पर रिकॉर्ड करना है और आपसे बात भी करना है और आपको लाइव जो इमोशंस हैं मेरे ड्राइव होते हैं वो आपको दिखाने होते हैं, तो दो काम छोड़ने के बाद मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस ये होगा कि लाइव, जैसे मैं ये वीडियो है और कल की वीडियो में डिफरेंस ये होगा कि आपको लाइव इमोशंस थोड़े कम दिखेंगे और उसमें आपको थोड़े कल वाले वीडियो में थोड़े कम दिखेंगे और आज में ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। वो थोड़ा बहुत हमको एडजस्ट करके हमको सीखना है, समझने की कोशिश करनी है हमको कि चार्ट्स के बाद ट्रेड खत्म होती है या ट्रेड चल रही है। चार्ट्स पे मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या हम वो याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं? येस, देन डेफिनेटली आपके लिए सब वीडियोज अच्छी ही वह है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।